हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं जैनब जी, और इन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना जेआरएफ क्रैक किया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरीके से इन्होंने कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैनब जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एंड क्या बोलते हैं, मेरा नाम जैनब सलीम सिद्दीकी है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ, एमपी से बेसिकली। और बीइंग मतलब मैरिड हूँ और अभी बच्चा भी है, तो जी उसके साथ मैंने प्रिपरेशन करी है विद द हेल्प ऑफ सर की वीडियोस, आपकी वीडियोस से। जी मैम, कौन और सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है? मैंने कॉमर्स में क्वालिफाई किया है। जी मेरे मैम, परसेंटाइल 99.42% नाइन्टी रहे नाइन हैं मेरे पॉइंट फोर कॉमर्स में। टू तो आपने यस कॉमर्स में जेआरएफ को क्रैक किया है, राइट मैम? यस सर, ओके ओके, दैट्स रियली गुड। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि इतनी परसेंटाइल के साथ आपने एक नेशनल लेवल के एग्जाम किया, क्रैक किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी और इसमें तो कंट्रीब्यूशन तो सर वैसे बहुत सारे लोगों का है, और आपकी वीडियोस का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उस चीज में, क्योंकि एक सॉर्टेड चीजें मिल गई। एक मतलब मैरिड होने के बाद है ना, आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, और मैं वर्किंग भी हूँ, टीचर भी हूँ, स्कूल टीचर हूँ, तो उसमें भी मतलब टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है, तो हमें सॉर्ट करने का टाइम नहीं मिलता है चीजें जी कि मैम, मतलब हम कितने सारे मटेरियल्स कहाँ कहाँ से देखें। तो बट आपकी वीडियोस और मटेरियल बहुत सॉर्टेड थे और बहुत टू द पॉइंट थे, जिससे बहुत टाइम बच गया। जी और मैं जितना भी टाइम मिलता था, मतलब मैं ट्रेवल करती थी, जैसे स्कूल जाती थी तो रास्ते में फ्री पीरियड होता था, तो उसमें आपकी वीडियोस के लेक्चर्स रिफर करती थी। घर में जहाँ पे भी टाइम मिलता था तो मैं आपके वीडियोस ईयरफोन में लगे रहते थे, काम करती रहती थी और वो सुनती रहती थी, तो दैट हेल्प मी अ लॉट, जी और मैम, मेरा टाइम भी बहुत सेव हुआ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। इसके अलावा आप रिवीजन के बारे में क्या कहना चाहते हो? रिवीजन करना जरूरी है? फिर रिवीजन ना करें तो चलेगा? रिवीजन तो सर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप है ना मतलब पढ़ते जाते हो, मैं टीचर हूँ तो वो उस चीज की इम्पोर्टेंस मुझे और पता है जी कि रिवीजन, जैसे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं स्कूल में तो उनको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। आप पढ़ाते जाओ और उनको बैक का रिवाइज नहीं कराओ तो वो पूरा दिमाग से मतलब वैनिश हो जाता है। तो सेम हैपन विद अस, हमारे बल्कि बड़े होने के बाद तो मेमोरी और हम लोगों की कमी होती है एज कम्पेयर टू किड्स। जी मैम, तो क्या बोलते हैं, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर रिवाइज नहीं किया है तो आपने जितना भी पढ़ा है ना, तो वो मतलब आप उसको यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आप है ना, आपको लगेगा कि हाँ ये आता है मुझे, लेकिन मुझे दिमाग से स्लिप हो रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, तो वो रिविजन अगर नहीं होगा तो ये चीज बहुत से क्वेश्चन में फेस करेंगे आप। जी मैम। और रिवीजन के हाँ अलावा आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, फिर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे? नहीं सर, वो तो मैंने लगाए थे लास्ट 4 इयर्स के अच्छा, लगभग, मैंने ओके क्वेश्चंस लगाए थे ओके और ओके। इतना ही टाइम मिल पाया था, क्योंकि थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि आफ्टर 20 पेपर होगा कॉमर्स का, बट इस बार फर्स्ट पेपर जल्दी हो गया। कॉमर्स का हो गया था। जी हाँ, तो जी मैम, क्या बोलते हैं, मतलब PYQs मेरे 4 इयर्स के ही लगभग लगा पाई थी, लास्ट 4 इयर्स के, ओके ओके। लेकिन वो भी बहुत हेल्पफुल थे कि उससे ये पता चला कि जो हमने पोर्शन पढ़ा है उसको पूछा कैसे जाता है, जी मैम, किस किस तो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम यहाँ होता पे है। आप इसको हम समराइज करें तो आपने बोला कि लेक्चर्स देखें, लेक्चर्स देखने के बाद आपको प्रॉपर रिवीजन करनी चाहिए, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर, है ना? तो अगर आप इस तरीके से यस प्रिपरेशन करते हो तो आपके काफ़ी हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल तो सर, मैम, अब बिल्कुल। आपके फ्यूचर प्लान क्या, आप क्या प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, क्या करोगे अब आप? तो फ्यूचर के प्लानिंग्स तो यही है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो अभी निकले हैं, जी मैम, तो उसके लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए मैं एलिजिबल हो गई हूँ नेट के बाद, तो वो देना है। और प्लस PhD की तो फ्यूचर प्लानिंग है ही, जी मैम, क्योंकि अगर आप आपको पीएचडी जाना करिए, है सही बात है। कॉलेज टीचिंग में, तो यू नो द इम्पोर्टेंस जी की हाँ, राइट PhD इज मैम, कि इम्पोर्टेंट। पीएचडी करनी पड़ेगी। जी मैम, अभी नहीं तो हाँ फ्यूचर में आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको इस फील्ड में लॉन्ग टाइम के लिए रहना है तो। जी जी मैम, तो अभी एट द एंड आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में? हाँ सर, बिल्कुल कहना चाहूंगी कि एक तो आई एम वेरी थैंकफुल कि YouTube के थ्रू मैं आपके चैनल से कनेक्ट हुई, जी मैम, जो कि मतलब एक मेहनत तो होती है इंसान की, लेकिन राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी तो जी वो मैम, आपकी वीडियो के थ्रू मिला मुझे, जी मैम, और थैंकफुल हूँ मैं अपनी फैमिली को
फैमिली के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि स्पेशली क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अपने मायके में थी, तो जी मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा उस टाइम पे कि जी नमस्ते। क्या बोलते हैं तुम प्रिपरेशन करो, दो करके पेपर वाला हिसाब है एंड वी आर विथ यू वाला। तो आई मतलब मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन कहना चाहिए पेपर देने तक का मेरे पेरेंट्स का ही है इस जी चीज में। जी मैम, हाँ जी तो बहुत अच्छी बात है मैम। आप सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो, देन उसके बाद आपके पेरेंट्स को जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया और सपोर्ट किया हमेशा आपके, आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करें। थैंक जी, थैंक यू सो मच यू जैनब जी, थैंक यू। आपने टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया। डेफिनेटली इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम क्रैक करने में जी उनकी हेल्प होगी। जी थैंक यू सो मच टू यू सर आल्सो कि आपने आप लोगों के लिए इतना मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फील्ड में, जी क्योंकि मैम। सर क्योंकि मैं होशंगाबाद से हूँ, बेसिकली भोपाल के पास एक है, तो वो बहुत छोटा शहर है, तो जी हमें यहाँ पे नेट के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि जी क्या जी होता है नेट, तो हमें ना वो मटेरियल वो गाइडेंस मिलना बहुत जी मैम। मुश्किल होता है ऐसे ऐसी जगह पे। तो राइट मैम। वो अगर आप लोग के थ्रू मिलता है ना तो ऐसी जगहों पे, तो वो बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाता है हम लोग जी जी जैसे लोगों के लिए। जी जी मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड हम दुआ थैंक करते हैं यू कि सर। आपका जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सो मच एनर्जी। थैंक यू।